हेलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल स्वास्थ्य शिवानी के संग को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी एक बार फिर से हाजिर हूँ अपनी एक नई रेसिपी लेकर आप लोगों के साथ। फ्रेंड, आज बनाएंगे बहुत ही बढ़िया एक चटनी। इस चटनी को आप डोसे, इडली, उत्पम किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मात्र 5 से 7 मिनट लगेगा और इस मजेदार सी चटनी तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कि कितनी बढ़िया ये चटनी बनके तैयार हुई है। और इस चटनी को हम ना नारियल से बनाएंगे ना चने की दाल से। आज मैं इस चटनी को बनाऊंगी मूंगफली के साथ। तो बस शुरू करते हैं इस मजेदार सी चटनी को बनाना। इस मजेदार सी चटनी को बनाने के लिए गैस पे हम सबसे पहले रखेंगे एक फ्राइंग पैन और फ्राइंग पैन पे डालेंगे 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। ऑयल को गर्म हो जाने देते हैं। ऑयल गर्म हो गया है तो अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच उड़द की दाल, 5 से 6 लहसुन की कलियां, ये हमने छील कर रखी हुई है, और इसी के साथ एक मीडियम साइज के प्याज को हमने ऐसे रफली चॉप कर लिया है। सब चीजों को डालकर चलाते हुए हम भून लेंगे लगभग 2 से 3 मिनट। प्याज को हमें बहुत लाल नहीं करना है, पर हल्का सा इसका कलर चेंज करना है। फ्रेंड, बहुत अच्छी चटनी ये बनती है। एक बार जरूर इस चटनी को आप बनाइएगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। और गैस की फ्लेम को मीडियम पे हमने कर लिया है। 1 से 2 मिनट हो गया है फ्रेंड्स, और ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है, लेकिन मैंने इसको लाल नहीं किया है। इस टाइम पर हम इसमें डाल देते हैं 2 सूखी हुई लाल मिर्च। मिर्च आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या और भी बढ़ा सकते हैं। और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़े सा इमली का गूदा। ये मार्केट में बहुत आराम से मिल जाता है, क्योंकि बहुत खट्टी ये चटनी नहीं बनती है। तो बस थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसी के साथ इसमें डाल दूंगी 1/4 टीस्पून हींग। मिक्स करेंगे मिर्च और इमली भी हमारी इसमें अच्छे से भुन गई है। तो बस अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून से कम किसी भी लाल मिर्च। आप किसी भी लाल मिर्च में कम या ज्यादा कर सकते हैं। और बस अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और इस मिक्सचर को हम ठंडा होने देते हैं। और अब हम पीसेंगे अपनी मजेदार सी चटनी। उसके लिए हमने ले लिया है मिक्सी का एक जार। और फ्रेंड्स, मेरे पास भुने हुए मूंगफली के दाने थे। अगर आपके पास भुने हुए मूंगफली के दाने ना हो तो आप 2 से 3 मिनट मूंगफली के दानों को बिना घी तेल के ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा। मेरे पास है भुने हुए मूंगफली के दाने, इसलिए मैंने वो वाला प्रोसेस स्किप कर दिया था। अब ये हमने जो ये भून के रखा है ये सब ठंडा हो चुका है, तो अब इसको भी इसमें ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप पानी। अगर पानी की जरूरत और लगेगी तो हम बाद में पीसते समय डाल लेंगे। इसको चम्मच से चलाते हुए फ्रेंड्स अच्छे से हम मिक्सी में पीस लेते हैं। और फ्रेंड्स, 1/2 कप हमने पानी डाला था, तो ये देखिए अभी हमारी बहुत फाइन चटनी नहीं पीसी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से 3 चम्मच पानी हम और ऐड कर दे रहे हैं और इसको फिर से हम एक बार पीस लेते हैं। और अब चटनी हमारी पिस के रेडी है, और आप देख सकते हैं कि चटनी हमारी कितनी बढ़िया पिस के तैयार हुई है। तो चटनी को अब हम निकाल लेते हैं एक बाउल में, और इसको आप स्टोर करके फ्रिज में 15 से 20 दिन तक रख सकते हैं। सारी चटनी को हम निकाल लेते हैं। अब बनाते हैं चटनी के ऊपर डालने के लिए एक बढ़िया सा तड़का। और तड़के को बनाने के लिए हमने रखा है एक फ्राइंग पैन, और इसमें बहुत थोड़ा सा हम तेल डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब। तेल को गर्म हो जाने देते हैं। गर्म हो चुका है तो अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ 1/2 चम्मच राई। राई को तड़क जाने देते हैं, और इसी के साथ इसमें जाएगी 1 सूखी हुई लाल मिर्च। मिर्च आप ज्यादा कम भी कर सकते हैं, और थोड़े से कड़ी पत्ते मिक्स कर देंगे।
और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और अब डाल देते हैं हम चटनी पर ये डिलीशियस का तड़का। और ये लीजिए मजेदार सा चटनी बनके तैयार है। एक बार जरूर से ट्राई करिएगा इस मजेदार सी चटनी को। मुझे पता है कि बहुत पसंद आएगी जब आप इडली डोसे या उत्पम के साथ इस चटनी को सर्व करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि मेरी ये चटनी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। मैं मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।